हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2021 और ये मैं शाम से वीडियो बना रही हूँ। शाम की है मेरी, ये रात की है। रात को मैं बना रही हूँ यहाँ पे घिया और चने, मतलब कि लौकी और चने, तो उसकी दाल मैं बना रही हूँ। रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि रेसिपी मैंने पहले ही शेयर कर रखी है। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था, वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। तो मैं बना रही हूँ घिया चने। तो यहाँ पे क्या हो गया था कि मैंने जीरा डाल दिया था, वो तेज़ आंच हो गई थी तो मैंने बंद कर दिया था गैस, फिर दोबारा जलाया मैंने। तो ये टमाटर मैं वो कर रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं यहीं से आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाए। दाल बिल्कुल बन चुकी थी। तो ये है अगले दिन मॉर्निंग का, 8 तारीख मॉर्निंग का है। तो मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी और आज आपको दूसरी साइड लग रहा होगा, मतलब जब मैं ये मॉर्निंग मैं पोछा लगा रही थी सुबह सुबह ही, तो अभी ये ऑफिस नहीं गए थे, उसके बाद जाएंगे। ये फ्राइडे की है तो मैंने आज फ्रंट कैमरा कर रखा है। दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है वीडियो में, क्या ये सही बात है कि मेरी वीडियो में मेरी आवाज़ नहीं आती है? मुझे मतलब मैं तो अपने हिसाब से पूरा ही बोलती हूँ, ज़ोर से ही बोलती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताना यदि आप लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं सच में ज़ोर से नहीं बोलती हूँ। और यहाँ पर मेरा पोछा लग रहा है, आज मैंने फ्रंट कैमरा कर रखा था तो आज मेरा उल्टा साइड लग रहा है। और मैं वीडियो खुद ही बनाती हूँ दोस्तों, मेरे साथ कोई ना कैमरा पकड़ता है और ना ही कुछ, मैं अपने आप ही अपनी वीडियो शूट करती हूँ और अपने आप ही एडिटिंग करती हूँ। तो आप लोग बताएं कि किस तरह बनती है वीडियो। और यहाँ पे मैंने बाहर ब्लीचिंग डाला था, थोड़ा काई हो रखी थी तो मैंने कल ही डाली थी ये ब्लीचिंग। तो आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आने जाने के लिए धो दूँगी और ये मैं धो रही हूँ, बालकोनी धो रही हूँ मैं अभी, तो मैं वहाँ पे भी धो दूँगी थोड़ा सा, तो हमारा आने जाने के लिए होगा। बाकी मैं रहने दूँगी क्योंकि ब्लीचिंग जब तक मतलब पूरी काई ना जला दे तब तक उसको धोना बेकार है, तब पूरा ख़राब ही हो जाएगा। और यहाँ पर मैं धो दूँगी, मतलब जहाँ से हम स्कूटी बाहर ले जाते हैं वहाँ तक मैं धो दूँगी। और कल डाला था मैंने ये, कल दिन में डाल दिया था मैंने,
तो तब सब मतलब साफ हो जाएगा आगे से भी। और आज मैं फिर इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरी, आज की क्या मेरी वीडियो वैसे भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। और यहाँ पे मैंने बालकनी भी धो दी है, और जैसे गमले वगैरह के नीचे ना पानी जम जाता है तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और मेरे साथ मतलब कोई कैमरा हूँ, कैमरा भी कोई नहीं पकड़ता, मैं खुद ही अपने आप ही एडजस्ट करती हूँ हर चीज़ को। तो क्योंकि टाइम नहीं है, कौन पकड़ेगा कैमरा, अपना अपना मतलब काम है सबका, सबका क्या, मेरे हस्बैंड है साथ में तो उनका अपना काम है, अपने ऑफिस के लिए तैयार हो और शाम को भी आओ, तो आदमी दिन भर नहीं कर पाते हैं ना कि मेरे साथ ये कैमरा पकड़ के जो खड़े रहेंगे। तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे दूसरी साइड में एक बाल्टी मैंने पहले डाल दिया था सुबह सुबह, तो यहाँ पे दूसरी साइड धो रही हूँ मैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं इसको धोने के बाद फिर नहाने चले जाऊँगी। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक होगी, बालकनी धोने ही तक होगी मेरी वीडियो आज की। तो आप लोग देख लीजिए और इन्जॉय कीजिए। अब हो गया मेरा यहाँ का सारा काम, अब जा रही हूँ मैं नहाने। तो अब चलते हैं नहाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।